आपका ये जो वोट है कितना कीमती है, इससे 5 सालों का भविष्य बनने जा रहा है। इससे आप तय कर रहे हो कि अगले 5 सालों में गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी, अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं। एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। कभी आपने सोचा है कि आपका ये जो वोट है कितना कीमती है, कितना कीमती है। इससे 5 सालों का भविष्य बनने जा रहा है। इससे आप तय कर रहे हो कि अगले 5 सालों में गैस सिलेंडर कितने का मिलेगा। इससे आप तय कर रहे हो कि कोई जब दुकान जाओगे कि कुछ खरीद पाओगे कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि अपने नौजवान बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं। इससे आप तय कर रहे हो कि ये महान देश जिसके लिए लोगों ने खून दिया, लोगों ने मेहनत की बनाने के लिए, इसका भविष्य क्या होने जा रहा है। और आज तो हम इस जगह पहुंच गए हैं कि 10 साल इनकी सरकार चली है। मुझे नहीं लगता कि 5 साल और ये देश सह पाएगा। अब तक तो सह लिया, अब संविधान बदलने की बातें हो रही हैं। कह रहे हैं 400 पार हम संविधान बदल देंगे। क्या करने जा रहे हैं क्या पता। आपके सामने तो एक काम की बात नहीं करते, एक बार आपके रोजगार की बात नहीं करते, एक बार महंगाई की बात नहीं करते, एक बार स्वास्थ्य सुविधाएं की बात नहीं करते, एक बार आपके बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे ये नहीं करते। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। बस पूछिए ना इनसे, IIT किसने बनाई, इन्होंने बनाई कितनी, ठीक है कांग्रेस ने बनाई इनसे पहले, इनके काल में कितनी नहीं बनी, एम्स कितने बनाए इन्होंने, अस्पताल कितने बनाए, पाठशाला कितने बनाए, रोजगार कितने दिलवाए, कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए। कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं कहने वाला, कहने का कुछ है ही नहीं, किया ही नहीं, बस यही करते रहे। बड़े बड़े इवेंट, बड़ी बड़ी महलों में जाके किसी राष्ट्रपति से मिलना, कहीं दुनिया भर में कहीं घूमना, यही करते रहे। अब टाइम आ गया है रिपोर्ट कार्ड का, टाइम आ गया है। 5 सालों से तो आप कुछ भी करते रहे, आपसे किसी ने पूछा नहीं। अब जनता पूछ रही है, अब जनता कह रही है कि भाई बताओ क्या किया, तो अब घबराहट हो रही है। अब बहकी बहकी बातें, वही हिंदू मुसलमान, वही इधर उधर की बातें, वही विश्व गुरु, वही दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं मोदी जी। अरे क्या लेना देना आपको कि कितने बड़े नेता हैं। अगर इतने बड़े नेता आपको पानी नहीं दिलवा सकते, आपका घर नहीं बनवा सकते, आपको रोजगार नहीं दिलवा सकते, तो हमें क्या माफी मांगनी चाहिए इनसे कि हमने रोजगार की बात उठा ली, कि हमने महंगाई की बात उठा ली, कि हम लड़ रहे हैं आपके हकों के लिए, कि हम कह रहे हैं कि इस देश को हम खत्म नहीं करने देंगे तुम्हें। माफी मांगे ये, आपसे मांगे।